बेल आइकन दबाइए और MotorOctane के वीडियोस सबसे पहले पाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फोर्ड ने अभी लॉन्च की है इकोस्पोर्ट 2017, यानी कि हमारे पास इसकी प्राइसेस और वेरिएंट्स के डिटेल्स पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही है, अगर आपका बजट कम है या ज्यादा है, और अगर आप कुछ और कॉम्पिटिशन में देखना चाहते हैं जैसे मारुति विटारा, ब्रेजा या टाटा नेक्सॉन, इन सब में से आपके लिए गाड़ी कौन सी सही है आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सेशन चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, 14 को हम बताएंगे आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट का लाइव लॉन्च, और साथ ही साथ आप तक पहुंचाएंगे एक क्विक प्रीव्यू उस नई एसयूवी का। इस वजह से मैं कहूंगा चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाए। मैं हूं आपका होस्ट रचित हिरानी, आप देख रहे हैं MotorOctane का यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। फोर्ड ने इकोस्पोर्ट की प्राइसिंग अनाउंस की है। ये एक शोरूम न्यू दिल्ली प्राइसिंग है, 7.31 लाख से शुरू होगी बेस मॉडल की प्राइस पेट्रोल, और टॉप एंड जो रहेगा वो रहेगा 10.99 लाख, ये भी रहेगा पेट्रोल ऑटोमेटिक। डीजल की प्राइस जो है वो शुरू होती है विद 8.01 लाख, ये भी एक शोरूम दिल्ली है, और टॉप एंड मॉडल की प्राइस है 10.67 लाख। अब फोर्ड इकोस्पोर्ट में ऑफर करेगा एम्बियंट, ट्रेंड, ट्रेंड प्लस, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस, 5 मॉडल्स ऑफर करेगा, और ये अलग अलग वेरिएंट्स में आएंगे। यानी कि जो प्लस मॉडल्स है टाइटेनियम प्लस और ट्रेंड प्लस, ये सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक में आएंगे, बाकी के वेरिएंट्स सिर्फ पेट्रोल मैनुअल में आएंगे। डीजल में आपको सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं विद द बेस मॉडल एम्बियंटे। इसमें आपको पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगा 2 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, 15 इंच के टायर्स आएंगे इसमें, सीट बेल्ट रिमाइंडर आएगा, चारों पावर विंडोज आएंगे, मैनुअल एसी आएगा, डे एंड नाइट एडजस्टमेंट इंटरनल मिरर आएगा, म्यूजिक सिस्टम आएगा, टच स्क्रीन वाला नहीं होगा, ये बेसिक म्यूजिक सिस्टम रहेगा। इसमें आपको 4 स्पीकर्स आएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आएगा, रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, साथ ही साथ जो डोर हैंडल रहेंगे और जो बाहर के मिरर्स रहेंगे वो ब्लैक कलर के रहेंगे, बॉडी कलर के नहीं रहेंगे। इसे रियर सीट्स को फ्लैट फोल्ड मिलेगा, पर 60-40 स्प्लिट इसमें नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें मिलेगा। ये वेरिएंट की प्राइस है 7.31 लाख पेट्रोल मैनुअल के लिए, और डीजल का है 8.01 लाख। अगला वेरिएंट जो है वो है ट्रेंड। इसमें आपको पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल मिलेगा। जो पेट्रोल मैनुअल की प्राइस है वो है 8.04 लाख, यानी कि इसकी कीमत ऑलमोस्ट 70,000 रुपए ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू द एम्बियंट वेरिएंट। और वहीं पे अगर आप डीजल में देखेंगे तो उसकी प्राइस है 8.71 लाख, यानी कि इसकी कीमत जो है ऑलमोस्ट 70,000 रुपए ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू द एम्बियंट डीजल। अब इसमें आपको 70,000 रुपए में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। पहला, क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, दूसरा 6.5 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स मिलेंगे इसमें आपको, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, और जो एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आप नेविगेशन भी मिलेगा, उसको मोबाइल नेविगेशन उसे बोल सकते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन इसमें नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। 2 USBs मिलेंगे आगे, और बॉडी कलर्ड मिरर्स और हैंडल्स मिलेंगे, साथ ही साथ 16 इंच के टायर्स मिलेंगे इसमें। इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। तो 70,000 रुपए में ये एक अच्छा अपग्रेड है। बेस मॉडल लेने की जगह आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो बहुत लोगों को आजकल चाहिए वो फीचर्स मिल रहे हैं। तो फोर्ड ने ये चीज बहुत अच्छी की है कि सेकेंड मॉडल से ही इसमें आपको ऑलमोस्ट वो फीचर्स दे दिए जिसके लिए लोग टॉप मॉडल लेते हैं। अब तीसरा वेरिएंट जो है ट्रेंड प्लस है। इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेगा पेट्रोल में, और डीजल में मैनुअल आता है। तो इस वेरिएंट की प्राइस है 9.34 लाख रुपीज, और ये जो है आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आता है, मैनुअल में नहीं आता है। तो इसका मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप इसका डीजल वेरिएंट देखेंगे तो इसकी प्राइस है 9.10 लाख रुपीज, यानी कि इसका जंप है ऑलमोस्ट 40,000 रुपए। तो अब इस 40,000 में आपको एक्स्ट्रा मिलता है रियर वाइपर, साथ ही साथ रियर डिफॉगर, फ्रंट फॉग लैंप्स आते हैं इसमें, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल ORVMs यानी कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं आपको, रियर पार्सल ट्रे मिल जाता है आपको, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, आर्मरेस्ट मिलता है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, रूफ रेल्स आ जाते हैं पर ये ब्लैक कलर के हैं इस वेरिएंट में, बूट लैंप मिलता है आपको, और पडल लाइट भी मिलती है।
तकरीबन 40,000 रुपए में आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो ट्रेंड प्लस को ट्रेंड से ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेरिएंट जो है टाइटेनियम। ये आएगा आपको पेट्रोल मैनुअल जिसकी कीमत है 9.17 लाख रुपीज और उसी समय डीजल में आएगा 9.85 लाख रुपीज। अगर डीजल वेरिएंट की बात करें विद ट्रेंड प्लस तो ये 75,000 रुपीज ज्यादा है। अब इस कीमत में आपको मिलता है एक बड़ा टच स्क्रीन, 6.5 इंच से हो जाता है 8 इंच का स्क्रीन इसका, फिर आता है पुश स्टार्ट स्टॉप, फोर्ड माइक की, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग LEDs, 60-40 रियर सीट स्प्लिट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर, पेडल्स जो है वो अलॉय के आते हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसको, मल्टी कलर एम्बियंट लाइटिंग आता है अंदर, एल्यूमिनियम रूफ रेल्स आता है, जो ट्रेंड प्लस का उसमें ब्लैक रूफ रेल्स था, इसमें आपको एल्यूमिनियम फिनिश आता है, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, साथ ही साथ आपको मिलता है सनग्लास होल्डर भी। यानी कि अगर आप ट्रेंड प्लस लेते हैं और आप उस पे एक्स्ट्रा फीचर्स खरीदते हैं एक्सेसरीज बार से, आपको 75,000 में ये वर्थ नहीं मिलेगा। अब चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट वेरिएंट जो है टाइटेनियम प्लस। इसमें आपको मिलेगा पेट्रोल ऑटोमेटिक जिसकी प्राइस है 10.99 लाख और वहीं पे डीजल की प्राइस है 10.67 लाख। अगर हम इसका प्राइस डिफरेंस देखें तो ये 82,000 रुपीज का फर्क है डीजल टाइटेनियम और डीजल टाइटेनियम प्लस में। पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक आता है, इस वजह से हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे इसका। तो आपको 82,000 में एक्स्ट्रा मिलता है 4 और एयरबैग्स, साथ ही साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल, फ्लैट बेड रियर कार्गो के लिए, ग्लव बॉक्स में इल्यूमिनेशन मिलता है और लेदर सीट्स मिलते हैं एंड 17 इंच अलॉय व्हील्स भी आ जाते हैं इस वेरिएंट में। तो आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में और इसका प्राइसिंग डिफरेंस है अबाउट 82,000 रुपीज अगर हम इसे कंपेयर करें टू द लोअर वेरिएंट। तो अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो वो है ट्रेंड प्लस और टाइटेनियम। ये दो काफी अच्छे वेरिएंट्स हैं, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। अब फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको 4 मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ओवर द अदर कार्स। सबसे पहला ड्राइविंग प्लेजर, सेकंड फीचर्स जो वो ऑफर कर रहा है, थर्ड सेफ्टी पैकेजेस इसमें ज्यादा है और चौथा इसमें आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलता है जो कंपटीशन ऑफर नहीं कर रहा है। मगर इकोस्पोर्ट के अपने डाउनसाइड्स भी हैं और सबसे मेजर डाउनसाइड है उसका रियर सीट स्पेस। इस पे 2 जने ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, 3 जने बैठ सकते हैं मगर वो थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाता है। ब्रेजा और नेक्सॉन आपको ज्यादा कंफर्टेबल सीट देती है फॉर रियर पैसेंजर्स। अब चलते हैं टुवर्ड्स वैल्यू फॉर मनी। अगर हम इकोस्पोर्ट को कंपेयर करें ब्रेजा के साथ तो उसका प्राइसिंग चालू होता है 8.01 लाख डीजल बेस मॉडल और टॉप मॉडल है 10.67 लाख। वहीं पे विटारा ब्रेजा की प्राइसिंग चालू होती है 7.24 लाख से टॉप एंड तक जाती है 9.69 लाख तक। इसमें मैं ड्यूल टोन कलर नहीं इंक्लूड कर रहा हूं जिसकी प्राइस होती है 9.91 लाख। तो डायरेक्ट प्राइसिंग की कंपेरिजन की बात करें तो जो टाइटेनियम प्लस है वो ZXI प्लस से काफी ज्यादा महंगा है, इसलिए उन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इस वजह से मैं ब्रेजा ZXI प्लस को कंपेयर करता हूँ टाइटेनियम वेरिएंट के साथ। तो ब्रेजा का ZXI प्लस की प्राइसिंग है 9.69 लाख रुपीज, वहीं पे इकोस्पोर्ट टाइटेनियम वेरिएंट की प्राइस है 9.85 लाख रुपीज। अब इस प्राइस पॉइंट में आपको इकोस्पोर्ट से ज्यादा ब्रेजा में फीचर्स मिल रहे हैं। अब इकोस्पोर्ट टाइटेनियम में कुछ फीचर्स कम है अगर हम इसे कंपेयर करें टू द ब्रेजा। इसमें आपको जो चीजें मिसिंग है वो है रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर कैमरा और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल। तो ब्रेजा में आपको ये फीचर ज्यादा आते हैं इन ZDI प्लस। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द अदर वेरियंट जो है ZDI और ये कंपेयर होता है विद द इकोस्पोर्ट ट्रेंड प्लस। तो ZDI में आपकी प्राइसिंग है 8.70 लाख रुपीज, वहीं पे ट्रेंड प्लस की प्राइसिंग है 9.10 लाख रुपीज। अगर हम ये प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करें तो इकोस्पोर्ट को कुछ चीजें ज्यादा आती है जैसे 6.5 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले और साथ ही साथ इसमें पड लाइट भी दी हुई है जो ब्रेजा के ZDI वेरिएंट में नहीं उपलब्ध कराई गई है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप ब्रेजा और इकोस्पोर्ट में से इकोस्पोर्ट ट्रेंड प्लस चूज कीजिए, वहीं पे हायर वेरिएंट में ब्रेजा का ZDI प्लस अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना बजट और लेना चाहते हैं एक मोर एक्सपेंसिव कार जिसमें आपको सारे फीचर्स आते हैं तो आप नेक्सॉन ब्रेजा दोनों भूल जाइए और इकोस्पोर्ट आंख बंद करके ले लीजिए। अब हम इसे कंपेयर करते हैं विद द टाटा नेक्सॉन।
टाटा नेक्सॉन डीजल और पेट्रोल दोनों में उपलब्ध है। इकोस्पोर्ट पेट्रोल और डीजल दोनों मिला के प्राइसिंग चालू होती है फ्रॉम 7.31 लाख रुपीज और टॉप एंड डीजल मैनुअल की प्राइस है 10.67 लाख रुपीज। वहीं पे नेक्सॉन की प्राइसिंग चालू होती है 5.85 लाख रुपीज और टॉप एंड की प्राइस है 9.30 लाख रुपीज। तो अब अगर हम वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करें तो इकोस्पोर्ट का ट्रेंड प्लस वेरिएंट डीजल में कंपेयर किया जा सकता है नेक्सॉन के टॉप ऑफ द लाइन ZX प्लस वेरिएंट के साथ। जो इकोस्पोर्ट की प्राइस है वो है 9.10 लाख रुपीज, वहीं पे नेक्सॉन के टॉप एंड की प्राइस है 9.30 लाख रुपीज। इसमें मैं ड्यूल टोन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो नेक्सॉन क्लियर विनर है। इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पुश स्टार्ट स्टॉप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग LEDs, रियर AC वेंट्स, साथ में उसको ब्लोअर कंट्रोल भी है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं जो आपको फिलहाल इकोस्पोर्ट में नहीं उपलब्ध कराए गए हैं इन ट्रेंड प्लस। और जो प्राइसिंग फर्क है दोनों में वो सिर्फ 20,000 रुपए के, यानी कि 20,000 रुपए में आपको ज्यादा स्पेस मिल रही है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा फीचर्स भी मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ZX प्लस कंपेयर किया जा सकता है विद इकोस्पोर्ट ट्रेंड। ट्रेंड प्लस नहीं, ट्रेंड, क्योंकि इकोस्पोर्ट मैनुअल सिर्फ ट्रेंड में उपलब्ध है। अब जो ट्रेंड वेरिएंट है इकोस्पोर्ट का उसकी प्राइस है 8.04 लाख रुपीज, वहीं पे जो नेक्सॉन का ZX प्लस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 8.45 लाख रुपीज। अब इस वेरिएंट में ज्यादा फर्क है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। नेक्सॉन की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 41,000 रुपीज ज्यादा है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग LEDs, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, और साथ ही साथ आपको मिलता है पार्सल ट्रे, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट है, रूफ रेल्स मिलते हैं, बूट लैम्प मिलता है। जो ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं इन द फोर्ड इकोस्पोर्ट ट्रेंड। तो इस वजह से नेक्सॉन वैल्यू फॉर मनी में काफी आगे है when compared to the Ford EcoSport। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है और आपको प्राइसिंग की फिक्र नहीं है, यू नीड अ कार जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, तब Ford EcoSport आपकी डेफिनेट चॉइस होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी यूजफुल रहा हो आपके लिए और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और क्यों। मैं हूं आपका होस्ट रचित हिरानी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कुछ और सवाल हो इन तीनों गाड़ियों के बारे में तो अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। स्टे ट्यून्ड टू MotorOctane और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया करूंगा। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ और हमेशा सीट बेल्ट पहनिए।